Hey folks, welcome to Digimento Education. This is Analog Devices and Circuits, Lecture 8. Hopefully you must have gone through the last 7 lectures that I covered and well versed with the important concepts. Okay, let's begin this lecture. So please hit the like button if you really like the video, share and subscribe to our channel Digimento and write down your comments below in the comment section. Okay, let's begin with this lecture. So in the last lecture we ended our discussion with the ripple factor of a full wave rectifier with the capacitor filter. So ab hum isme agla point discuss karenge, which is the third point. Teesra point jo hai wo hai DC output voltage. Okay, DC output voltage. So सारे concepts मैंने already बता चुका हूँ आपको, बिल्कुल वैसे ही तरीके से हमें full wave rectifier का भी VDC output expression लिखना है. So it will be equal to VDC is equal to VM minus VR by 2, वही same curve से. Okay, जो हम देखते थे कि यहाँ पे जब ये rectangular pulse आई थी, this was your VR. Okay, this whole was your VR, this is your VM. Okay, so VDC jo ho jayega, that midpoint is basically your VDC. So VDC will be equal to VM minus VR by 2. We know what is VR. VR is basically IDC upon 2F naught C. So we can say this becomes IDC divided by 4F naught C. This is VDC expression. Okay. चौथा जो इसमें आप देख सकते हो कि ये भी एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट की तरह काम कर रहा है, जिसमें से योर जो आपका जो आउटपुट डीसी वोल्टेज है विच इज वीजीडी वीडीसी एफएल विच इज इक्वल टू आईडीसी इनटू आरएल, जो हो जाएगा वी थेवेनिन माइनस आईडीसी इनटू आर थेवेनिन होगा. और वी थेवेनिन इज बेसिकली वीएम, वी थेवेनिन इज बेसिकली वीएम एंड आर थेवेनिन जो है इसमें 1/4 एफ नॉट सी. ओके, अब हम चौथा पॉइंट डिस्कस करते हैं. चौथा पॉइंट जो है डिस्कस करने का वो है एंगल ऑफ कंडक्शन. फोर्थ वन इज एंगल ऑफ कंडक्शन. बिल्कुल आपको सेम फॉर्मूला सेम तरीका ही इस्तेमाल करना है जैसे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में किया था एंगल ऑफ कंडक्शन को ऑफ ए डायोड को डिराइव करने के लिए. सो अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे तो एंगल ऑफ कंडक्शन इज ओमेगा नॉट डेल्टा टी will come out to be square root of 2VR by VM. Okay, इसमें वही बिल्कुल सेम तरीके से आपको डेरिवेशन करना है, वही सेम एक्सप्रेशन आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ. That's why I'm not deriving that thing here. Okay, पांचवा पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द हाफ वेव रेक्टिफायर वो ये है फिफ्थ पॉइंट, विच इज एवरेज डायोड करेंट. ओके, एवरेज डायोड करंट बिल्कुल वैसे ही तरीके से डेरिवेशन है जैसे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में की थी बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ओके, सो इसको जब सॉल्व करोगे यू विल गेट आईडी एवरेज इज आईडीसी इनटू 1 प्लस पाई स्क्वायर रूट ऑफ वीएम बाय 2VR. बहुत ही सटल सा डिफरेंस है हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर में. हाफ वे रेक्टिफायर के केस में इट बेसिकली कम्स आउट टू बी 2VM बाय VR. नाउ इसमें इस केस के अंदर आ रहा है VM बाय 2VR. ओके, सो दीज आर. छठवां पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है पीक डायोड करंट. पीक डायोड करंट, जो पीक डायोड करंट है बिल्कुल वैसे ही तरीके से इस्तेमाल डेरिवेशन करना है. ओके, जैसे हमने हाफ वे रेक्टिफायर में की थी. So your ID peak जो आएगा will be equal to IDC into 1 plus 2 pi square root of VM by 2VR. बिल्कुल वैसे ही तरीके से करना है, इसमें भी सटल डिफरेंस है. हाफ वे रेक्टिफायर केस में 2VM by VR आता है, इस केस के अंदर इट्स कमिंग आउट टू बी VM by 2VR. ओके, सो देयर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू मस्ट नो which are basically conceptual. So let me just write down the note points here, the important points here. अगर हम RL को disconnect कर देंगे
सो द कैपेसिटर जो है वो आपका डिस्चार्ज नहीं कर पाएगा रेजिस्टेंस आर एल के थ्रू. ओके, जो कैपेसिटर विल रिटेन इट्स वैल्यू द मैक्सिमम वैल्यू दैट इज अक्रॉस अक्रॉस इट. ओके, सो हेंस उस समय जो पी आई वी होगा, अगर हम पी आई वी की बात करते हैं जो फुल वेव रेक्टिफायर केस में होती है, इन जनरल हमने सेंटर टाइट फुल वेव रेक्टिफायर का जब हमने डिस्कशन किया था तो वी फाउंड दैट द पी आई वी ऑफ द डायोड इन द सेंटर टाइट फुल वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू 2 VM. और जब हमने हाफ वेव रेक्टिफायर विद द कैपेसिटर फिल्टर की बात की थी, जो हमने आर एल को डिस्कनेक्ट किया था, जो पी आई वी आया था दैट वॉज ऑल्सो 2 VM. दैट वॉज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग द कैपेसिटर फिल्टर एट द आउटपुट ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर. और इस केस के अंदर चूंकि ये हाफ वे सेंटर टाइट फुल वे रेक्टिफायर है विद द कैपेसिटर फिल्टर, इसकी पी आई वी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो अगर मैं बोलूँ इफ इफ आर एल इज डिसकनेक्टेड, इफ आर एल इज डिसकनेक्टेड देन कैपेसिटर विल नॉट डिस्चार्ज, and retain its maximum value at VM. Okay, hence उसमें बोल सकते हैं V naught is equal to VM. So PIV जो डायोड की PIV है that becomes 2 VM. Okay, जब हम उल्टा KVL apply करेंगे, ओके, जब हम डायोड को रिवर्स वाइज में कंसिडर करेंगे और जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो जो पी आई वी आएगा वो 2 VM के इक्वल आएगा. दैट इज पी आई वी डज नॉट चेंज, पी आई वी डज नॉट चेंज इन सेंटर इन फुल वेव रेक्टिफायर. अंडरस्टूड? सो इसमें दो पॉइंट्स और नोट डाउन करने की बातें हैं कि व्हेन कैपेसिटर, व्हेन कैपेसिटर इज यूज एज अ फिल्टर, व्हेन कैपेसिटर इज यूज एज अ फिल्टर इन हाफ फुल वेव रेक्टिफायर, सो व्हेन वोल्टेज वोल्टेज रेटिंग ऑफ डायोड रिमेन सेम, क्योंकि पी आई वी सेम है, बिकॉज पी आई वी रिमेन्स द सेम, because PIV remains the same. Okay, दूसरा point डिस्कस करने वाला है, diode should have higher current rating. बिकॉज जो जब हमने हाफ फुल हाफ वे रेक्टिफायर की मैं बात की थी सर्ज करंट के बारे में, विच वॉज बेसिकली योर आई डी पीक, तो जो बेसिकली जो आपको कैपेसिटर है वो डायोड से एम्पियर के ऑर्डर की करंट विड्रॉ करता है, और बहुत ज़्यादा करंट होती है दैट अ डायोड कैन नॉट बियर, और वो डायोड डिस्ट्रॉय भी हो सकता है उसकी वजह से, ओवर हीटिंग की वजह से. तो हाफ वे रेक्टिफायर में बोला था कि उस डायोड का जो करंट रेटिंग है शुड बी एज हाई एज पॉसिबल so that it can bear large current flow through it. So similarly वैसा ही केस फुल वेव रेक्टिफायर में भी है कि उसका भी करंट रेटिंग डायोड का ज़्यादा होना चाहिए, हायर करंट रेटिंग, बिकॉज करंट ऑफ ए कैपेसिटर और सच करंट इज स्ट्रॉन्गर, such current is stronger. Understood? ये point clear है? Understood? ये concept आपको पता लग गए? अब इस पे इस पे based जो हमने concept पढ़े हैं उस पे based हम question solve करते हैं, एक example देखते हैं. This is the example. It says a full wave rectifier uses a capacitor of 50 microfarad in parallel to a 5 kilo ohm resistor. Okay, this is your load resistance and this is the capacitor C which is connected in parallel to 5000 ohm. If secondary voltage with respect to the center tap is 60 volt RMS and frequency of AC supply is 50 hertz, calculate the average output current and voltage, and these are the things that we need to calculate. So agar hum baat kare ki normal hum log center tap ki baat karte hain,
नॉर्मल हमने सेट अप, दिस इज 60 वोल्ट आरएमएस, दिस इज आल्सो 60 वोल्ट आरएमएस, ओके। इस चीज़ का ये मतलब नहीं है कि 60 वोल्ट आरएमएस पूरे में अप्लाई की जा रही है, नो ये नहीं है। 60 वोल्ट आरएमएस हर एक टैपिंग के बीच का है, मतलब वी ए, दिस इज वी ए, दिस इज वी बी, सो दिस इज 60 वोल्ट आरएमएस विद रिस्पेक्ट टू अपर वाइंडिंग एंड दिस इज ऑल्सो 60 वोल्ट आरएमएस इन फॉर विद रिस्पेक्ट टू द लोअर वाइंडिंग, ओके। ये चीज़ हमें ध्यान रखने वाली है। सो वी नो दैट आरएमएस सेकेंडरी वोल्टेज जो है, आरएमएस सेकेंडरी वोल्टेज वी नो इट इज इक्वल टू वी एम बाय रूट टू एंड दिस इज 60, ओके। सो फ्रॉम हियर वी कैन इम्प्लाई दैट वी एम विल बी इक्वल टू 60 रूट टू वोल्ट्स, ये क्लियर है। वी एम जो हो जाएगा दैट विज 60 रूट टू वोल्ट्स। लेट मी यूज द ब्लू पॉइंट ब्लू पेन। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो है एवरेज आउटपुट करंट विच इज आई डी सी, ओके, एवरेज आउटपुट करंट एंड द वोल्टेज। तो हमें आई डी सी निकालना है एंड वी डी सी निकालना है। सो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम देख सकते हैं कि वी डी सी हमें पता है इट इज इक्वल टू वी एम माइनस वी आर बाय टू, ये तो हमें पता ही है। एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वी एम माइनस आई डी सी बाय फोर एफ नॉट सी, ठीक है, आई डी सी बाय फोर एफ नॉट सी हो जाएगा। एंड वी डी सी हमें पता है इट इज इक्वल टू आई डी सी इन टू आर एल, ओके। इफ वी जस्ट ट्राई टू रीअरेंज द इक्वेशन वी गेट आई डी सी इन टू आर एल प्लस वन बाय फोर एफ नॉट सी इज इक्वल टू वी एम, क्या हम लिख सकते हैं, रीअरेंजमेंट है, जस्ट सिंपल रीअरेंजमेंट है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट आई डी सी विल बी इक्वल टू फोर वी एम एफ नॉट सी डिवाइडेड बाय आर एल फोर एफ नॉट सी प्लस वन। नाउ प्लग इन द वैल्यूज, सो फोर इंटू वी एम, वी एम इज 60 रूट टू, इफ यू जस्ट सॉल्व दैट इट कम्स आउट टू 84.8 इंटू 50 इंटू कैपेसिटर वैल्यू इज 50 माइक्रोफेराड, सो दिस इज 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, ओके, डिवाइडेड बाय सॉरी इज 6 माइनस 6 माइक्रो इज माइनस 6, सो अगेन 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 4 इंटू 50 इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 प्लस 1, ओके। इसको जब सॉल्व करोगे यू गेट आई डी सी एज 16.6 मिली एम्पियर, दिस इज योर आई डी सी। नाम है चाहिए वी डी सी, वी डी सी एफ एल और वी डी सी नॉर्मल लिख सकते हैं, वी डी सी विल बी इक्वल टू आई डी सी इन टू आर एल, ओके। सो आई डी सी पता है इज 16.6, वॉट इज आर एल इज 5 किलो ओम विच इज ऑलरेडी 5 किलो ओम, ओके। सो इफ यू सॉल्व फॉर दिस यू गेट 83 वोल्ट, सो वी डी सी एफ एल विल बी इक्वल टू 83 वोल्ट, अंडरस्टूड। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट पूछ रहा है पीक टू पीक, पीक टू पीक इन आर एम एस रिपल, पीक टू पीक एन आर एम एस रिपल, ओके। सो पीक टू पीक का मतलब है हमें वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी आर, ओके। वी नो दैट वी डी सी इज इक्वल टू वी एम माइनस वी आर बाई टू, ओके। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट वी आर एस टू टाइम्स ऑफ वी एम माइनस वी डी सी, है ना, ये लिख सकते हैं इसको ऐसे, टू टाइम्स ऑफ दिस इज 48.8 माइनस 83, ओके। सो इट वॉज सॉरी इट वॉज 84.8, प्लीज मेक अ करेक्शन है, दिस इज 84.8 माइनस 83, एंड इफ यू सॉल्व फॉर दिस यू गेट 3.3 वोल्ट नियरली। सो दिस इज बेसिकली योर वी आर विच इज द पीक टू पीक रिपल, एंड वॉट इज द आर एम एस रिपल, आर एम एस विल बी इक्वल टू वी आर बाई टू रूट थ्री, सो आर एम एस रिपल विच इज वी आर एम एस प्राइम विल बी इक्वल टू वी आर बाय टू रूट थ्री, ओके। वी नो वी आर इज 3.3 अपॉन टू रूट थ्री, इफ यू सॉल्व फॉर दिस यू गेट 0.95 वोल्ट, ओके। सो दिस इज द पीक टू पीक आर एम एस रिपल एंड दिस इज आर एम एस रिपल एंड दिस इज ऑल्सो पीक टू पीक रिपल। द थर्ड क्वेश्चन सेज इज रिपल फैक्टर, सो वॉट विल बी द रिपल फैक्टर, थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज द रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर
as you know from its definition, it is equal to VRMS prime by VDC. We know VRMS prime is 0.95 upon VDC is 83. Solve for this, you get 0.0114 volt. Okay, this is your ripple factor. Now fourth point of discussion is we need to find out the percentage regulation factor. Now regulation factor mein pata hai ki kya hota hai, it is basically VDC NL minus VDC FL divided by VDC FL. Okay, so we know that VDC is VM minus VR by 2, hame to ye pata hai na. And as from the previous concepts that we studied about the Harvey rectifier, ki VDC FL is equal to VDC NL minus IDC into R. Understood? Where in case of your center tread full wave rectifier, R was equal to R F plus R secondary winding divided by 2. So if we just try to compare, equate these two expression, so from here we can infer that VDC FL is nothing but VDC, VDC NL is VM, and R will be equal to 1 by 4 F naught C, because jab yahan pe hum log put karenge IDC by 2 F naught C aata hai, so then we can conclude this thing. So this is R. So percentage regulation will be equal to R upon RL into 100%. Okay, so hume pata hai what is R, 1 by 4 F naught C hota hai. This is 1 by 4 F naught C divided by RL. RL resistance is 5 into 10 to the power 3, which is 5 kilo ohm. If you plug in the values, F naught 50 hertz, C 50 microfarad, if you solve for this, you get 2% percentage regulation factor. You can also solve like this: VDC NL minus VDC FL divided by VDC FL into 100%. This will be your 84.8 minus 83 divided by 83 into 100%. You get the same answer, approximately the same answer. This is the percentage regulation. Okay, understood? जो अगला छोटा सा कंसेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिक कंसेप्ट है ब्लीडर्स रेजिस्टर का. ओके, नोट, दिस इज वेरी स्मॉल डिस्कशन. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्लीडर्स रेजिस्टर. नाउ ब्लीडर्स रेजिस्टर की जरूरत क्यों होती है, क्या चीज क्यों ये इम्पोर्टेंट है इन द हाफ रेक्टिफायर फुल रेक्टिफायर में. अगर रेजिस्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी और जब कैपेसिटर के पैरेलल में लगाया जाएगा तो हाई पावर सप्लाई में, सो डिस्चार्ज पाथ जो होगा कैपेसिटर का इन द एब्सेंस ऑफ लोड रेजिस्टेंस आरएल जो होगा वो आपका ब्लीडर्स रेजिस्टर के थ्रू हो जाएगा. अगर हम लोग बात करते हैं आरएल की एब्सेंस है तो कैपेसिटर में काफ़ी ज़्यादा चार्ज स्टोर हो जाएगा, मैक्सिमम स्टोर रहेगा, और वो इट कैन नॉट डिस्चार्ज थ्रू एनी पाथ. अब चूंकि वो डिस्चार्ज नहीं होगा, मैक्सिमम वोल्टेज दैट इट कैन अटेन इज इक्वल टू वी आर एम एस, सो इन दिस केस वीएम इनटू वीएम बाय रूट 2 इज आर एम एस वैल्यू, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट इट कैन स्टोर विल बी इक्वल टू द आर एम एस वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल, जो नॉर्मल ए सी सप्लाई आती है घर के अंदर वो 220 वोल्ट आर एम एस 50 हर्ट्स पे आती है. सो इसका जो वीएम मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वीएम विल बी इक्वल टू 220 इंटू रूट 2. 220 इंटू रूट 2 इज नियरली 311 वोल्ट्स. और चूंकि अगर रेजिस्टर कोई कनेक्टेड नहीं है कैपेसिटर के अक्रॉस तो कैपेसिटर वोंट बी एबल टू डिस्चार्ज, और आपने अगर अपना हाथ लगा दिया वहाँ पे तो आपको बहुत तेज झटका लगेगा, यू विल गेट एन इंटेंस शॉक फ्रॉम दैट, बिकॉज कैपेसिटर इज राइट नाउ स्टोरिंग 311 वोल्ट्स का वोल्टेज. सो इफ यू टच इट यू गोइंग टू गेट अ शॉक. सो दैट्स वाई ब्लीडर्स रेजिस्टर इज यूज. सो बेसिकली वॉट इज इट, इज बेसिकली इट इज a large, it is a large value of resistor connected in parallel to
इन पैरेलल टू कैपेसिटर इन हाई वोल्टेज इन हाई वोल्टेज सप्लाईज, जैसे हमारे घर में. सो इट प्रोवाइड्स अ डिस्चार्जिंग पाथ पाथ टू अ कैपेसिटर कैपेसिटर इन एब्सेंस ऑफ आरएल. ओके, सो दिस इज बेसिकली अ रेक्टिफायर. यहाँ पे हमने एसी सप्लाई दिया, दिस इज प्योर एसी सप्लाई. अब यहाँ पे कैपेसिटर लगा है सी, दिस सी कैपेसिटर. लोड रेजिस्टेंस आरएल एब्सेंस है, नहीं है. सो वी कनेक्ट अ ब्लीडर्स रेजिस्टर विच इज़ आर बी, सो दैट द कैपेसिटर जो होगा वो इसके थ्रू डिस्चार्ज करता रहेगा. और आर बी का बहुत वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वी डोंट वॉन्ट टू मैल फंक्शन द रेक्टिफायर बिहेवियर. ओके, सो हम देखें वी एम विल बी इक्वल टू 220 इंटू रूट टू, दिस विल द मैक्सिमम वैल्यू दैट द कैपेसिटर कैन स्टोर. ओके, विच इज नियरली इक्वल टू 311 वोल्ट्स. और अगर आपने छू दिया इसको तो आपको बहुत तेज झटका लगेगा. सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी कैजुअलिटी वी बेसिकली कनेक्ट अ ब्रीडर्स रेजिस्टर इन पैरेलल टू द कैपेसिटर इन एब्सेंस ऑफ अ रेजिस्टेंस आरएल. सो इफ आरबी इज नॉट कनेक्टेड देन द सर्किट कैन गिव हाई इलेक्ट्रिकल शॉक्स. ओके, नाउ अगला जो डिस्कस करने वाले हैं हम टॉपिक, जो अगला टॉपिक जो है हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिज़ाइन ऑफ द रेक्टिफायर्स विद द इंडक्टिव फिल्टर्स. अभी हमने कैपेसिटिव फिल्टर्स की बात की थी, अब हम डिज़ाइन जो करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ इंडक्टर फिल्टर्स करेंगे. ओके, so far we have been discussing about the design of the rectifiers, the center tied full wave rectifier and half rectifier with the capacitive filter connected in parallel to load resistance RL. जो हम discuss करने वाले हैं वो inductive filters का usage, inductive filters अब series में लगाएंगे load resistance RL के. उससे पहले let us write. So इस केस में होता क्या है कि जो inductive filter है, inductor जो है that is connected in series with the load resistance RL. सो दैट द उसमें ज़्यादातर ए सी कंट्रोल आ जाएगा और वी गेट द मैक्सिमम डी सी आउटपुट. ओके, सो इसमें अ लार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड रेजिस्टेंस आर एल. So that to remove or reduce the AC component at the output. समझे? So जैसे मान लो कि अगर ये rectifier है, this is your rectifier. अब हमने यहाँ पे pure AC signal दिया. सो ये जो इंडक्टर फिल्टर है वो लार्ज वैल्यू होती है एंड दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड रेजिस्टेंस आर एल. दिस इज द आउटपुट वोल्टेज वी ओ, दिस इज द इंडक्टर एल. ओके, यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो वी ए सी प्लस वी डी सी का होगा. ओके, अंडरस्टूड. सो इसमें ध्यान रखने वाली बातें हैं, फॉर प्रॉपर फिल्टरिंग हमें पता है कि डीसी के लिए ये जो आपका इंडक्टर होगा दैट एक्ट्स एज अ शॉर्ट सर्किटेड, दैट एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट. जो मैक्सिमम डीसी कंपोनेंट का जो वोल्टेज जो आएगी दैट विल बी, जो मैक्सिमम जो वोल्टेज आएगी आउटपुट पे दैट विल बी इक्वल टू वीडीसी. ओके, बिकॉज इंडक्टर एक्ट्स एज अ शॉर्ट सर्किट फॉर द डीसी वैल्यू. ओके, और जो मैक्सिमम एसी कंपोनेंट जो होगा, जो मैक्सिमम एसी कंपोनेंट जो का जो ड्रॉप होगा वो इंडक्टर आर एल, इंडक्टर एल के अक्रॉस होगा, बिकॉज
हमने जो एक्सएल लिया है इसका रिएक्टेंस होगा, क्योंकि एल ज़्यादा बहुत बड़ी वैल्यू है, सो एक्सएल ज़्यादा होगा, सो पोटेंशियल ड्रॉप ए सी पोटेंशियल ड्रॉप विल बी मैक्सिमम अक्रॉस द इंडक्टर एल एंड द स्मॉल पोर्शन विल बी अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस आर एल. ओके, सो फॉर फिल्टरिंग के लिए रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर शुड बी मच ग्रेटर देन लोड रेजिस्टेंस आर एल, much greater than RL. Okay, so हम बोल सकते हैं XL must be greater than RL. Okay, where that is basically omega not L should be very greater than RL for half wave rectifier, and 2 omega not L should be greater than RL for full wave rectifier. बिकॉज हमें पता है कि जो फंडामेंटल रिपल फ्रीक्वेंसी होती है वो फुल वेव रेक्टिफायर में वो 2 ओमेगा नॉट होती है, एंड ओमेगा नॉट जो होती है वो हाफ वेव रेक्टिफायर में होती है. ओके, सो बेसिकली जो आउटपुट ऑफ अ रेक्टिफायर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एसी एंड डीसी. ओके, so that's basically get divided between the inductor and the resistance RL. So AC component VAC appears almost across the inductor, और थोड़ा portion जो है वो load resistance RL के across आएगा. And negligible AC voltage appears across RL, because we know that mod XL is very very greater than RL. Okay, and VDC appears fully across RL and not across the inductor L. Understood? Because inductor and not across XL, as inductor acts as short circuit for DC. Understood? समझ में आ गया? ओके, देयर आर सम बेसिक पॉइंट्स दैट यू शुड रिमेंबर बिफोर प्रोसीडिंग टू द डिस्कशन ऑफ द डिजाइन ऑफ द रेक्टिफायर्स विद द इंडक्टर फिल्टर. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कैलकुलेशन ऑफ द रिपल फैक्टर ऑफ द रेक्टिफायर विद द इंडक्टर फिल्टर. सो कैलकुलेशन ऑफ रिपल फैक्टर, so I'm just basically doing it for the full wave rectifier, and I would suggest you to do it for the half wave rectifier on your all by yourself. Okay, so let me start with the basic points that we made earlier. So let's quickly consider a full wave rectifier with the inductor filter. सो हमें पता है कि जो आउटपुट वोल्टेज होता है जो रेक्टिफायर का जो आउटपुट वोल्टेज होता है, हमने वी बेसिकली डिनोटेड द वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज ऑफ रेक्टिफायर इन टर्म्स ऑफ इट्स फोरियर सीरीज कोफिशियंट्स, है ना. हमने इसको डिनोट किया था फोरियर सीरीज कोफिशियंट्स में, वो कैसे था, 2 VM/π - 4 VM/π समेशन के इज इवन फंक्शन कॉस के ओमेगा नॉट टी अपॉन के प्लस 1 इंटू के माइनस 1. हमने जब बाकी टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दिया था, हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट किया था, तो जो वी ओ टी आया था नियरली केम आउट टू बी 2 VM/π - 4 VM/3π कॉस ओमेगा नॉट टी, कॉस 2 ओमेगा नॉट टी. अंडरस्टूड? ठीक है. हम सो जो रेक्टिफायर है, दिस इज बेसिकली द इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट ऑफ द रेक्टिफायर ऑफ अ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर. ठीक है, सो हम पूरे रेक्टिफायर को कॉम्बिनेशन ऑफ दिस डीसी और इस एसी के कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज डीसी, दिस इज एसी. ओके, सो अब यहां ध्यान से देखिए, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दैट. सो दिस इज लेट्स से प्लस माइनस, दिस इज एसी कंपोनेंट, दिस इज डीसी, दिस इज डीसी, दिस इज योर एसी, एंड दिस इज 2 वीएम बाय पाई, दिस इज माइनस 4 वीएम अपॉन 3 पाई कॉस 2 ओमेगा नॉट टी. ओके, एंड देन वी हैव एन इंडक्टिव फिल्टर. नाउ दिस इज बेसिकली द इंडक्टिव फिल्टर, और यू कैन रिप्रेजेंट विद एक्सएल. ओके, दिस इज रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस आरएल, एंड दिस इज द आउटपुट वोल्टेज वीओ, द एक्चुअल आउटपुट वोल्टेज. ओके, नाउ हमें पता है कि रिपल जो जो करंट फ्लो करेगी इसके अंदर, दैट्स बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ आईएसी प्लस आईडीसी होगा. ओके, दैट्स बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एसी एंड डीसी कंपोनेंट्स. ओके, सो वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम, बिकॉज दे आर टू डिफरेंट वोल्टेज सोर्सेज. सो अगर हम डीसी, सो वी नो दैट रिपल फैक्टर जो होता है आर इज नथिंग बट आई आर एम एस प्राइम बाय आई डी सी. हम लिख सकते हैं, वी नो दिस एक्सप्रेशन, लेट इट बी वन. नाउ लेट्स कंसिडर ओनली द डी सी कंपोनेंट, देन वी कैन फाइंड आउट द डी सी करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस आर एल बट शॉर्ट सर्किटिंग द इंडक्टर एंड इंडक्टिव फिल्टर. सो डी सी करंट थ्रू RL. So what will be your IDC? IDC will be equal to 2 VM by pi RL. Okay? Because by applying the superposition theorem, we are neglecting the AC voltage source and short circuiting the inductor L, and then we can easily find out the DC current which is flowing in the circuit. Okay? Just by superposition, by using superposition. सो एक वोल्टेज सोर्स को हटा दिया हमने. सो हमारे पास आई डी सी कंपोनेंट ये आई है, इसको हम लोग दो से रिप्रेजेंट कर देते हैं. नाउ व्हाट इज द ए सी करंट, अब ए सी को सोर्स को कंसिडर करते हैं, ए सी करंट थ्रू आर एल. व्हाट इज द ए सी करंट, सो वी आर नाउ नेग्लेक्टिंग द ए सी द डी सी वोल्टेज सोर्स बाई अप्लाइंग द सुपरपोजिशन थ्योरम. इसमें इंडक्टर भी आपका एक्टिव मोड में आ जाएगा. सो वी नो व्हाट विल बी योर आई ए सी will be equal to VAC by XL plus RL. Understood? So, ठीक है, since we are basically considering the magnitude, so इसको हम लोग करेंगे, this will be square, this is square. IAC will be equal to VAC by square root of XL square plus RL square. This will be equal to VAC by XL, as we know that mod XL is very, very greater than RL. So RL will be negligible when compared with XL. So IAC will be equal to VAC by XL. Okay, so what is your IAC? IAC will be equal to, jo IAC ho jayega wo ho jayega VAC. VAC kitna hai? Minus 4 V upon 3 pi cos 2 omega naught t. So minus 4 VM upon 3 pi, 4 VM upon 3 pi XL, this is basically mod XL, cos 2 omega naught t. IAC will be equal to minus 4 VM upon 3 pi mod XL cos 2 omega naught t. So we can say that mod IC peak value will be equal to 4 VM upon 3 pi mod XL, and this is nothing but 4 VM upon XL is 2 omega naught t is 6 pi omega naught L. Understood? So from here we can say that IRMS prime will be equal to IAC peak by root 2. Okay, we know this thing. So this basically comes out to be, so we can say this will be equal to 1 by square root of 2 into 4 VM upon 3 pi into 1 by 2 omega naught L. Okay, so IRMS prime comes out to be
square root of 2 Vm upon 3 pi omega naught L. Understood? यहाँ तक तो आपको clear हो गया होगा. Now, what is your ripple factor, which is IRMS prime by IDC? Now, we know the values of both. IDC is 2 Vm by pi RL and IRMS prime is root 2 Vm by 3 pi omega naught L. So, plug in the values, you get square root of 2 Vm pi RL divided by 3 pi omega naught L into 2 Vm. If you solve for this, you get RL upon 3 root 2 omega naught L. Ripple factor. This is the ripple factor of a full wave rectifier. And it's very, very important to note down one thing, that ripple factor is proportional to resistance RL. But in the case when we basically used a capacitive filter, we found that ripple factor is inversely proportional to RL with the capacitive filter. This is with capacitive filter. So that this could basically be a very good question, a theoretical based question or a memory based question, which could be asked from you in the examination. Okay, so this is the one thing that you should remember. This is important. Ripple factor is proportional to RL. जो जितना ज़्यादा value का हम लोग load resistance RL लगाएंगे output पे, उतना ही ज़्यादा ripples मिलेंगी, उतना ही ज़्यादा ripple factor होगा. So इसके लिए हमें सबसे छोटे से छोटा ripple load resistance लगाना चाहिए when we are using the inductive filter. Okay, so smaller ripple factor can be achieved with inductive filter if RL is smaller or load current is large. Understood? So इसका भी full wave rectifier का जो ripple factor की range होती है, जो फुल वेव रेक्टिफायर की जो रिपल फैक्टर की रेंज होती है, वो 0 से 0.48 के बीच में ही लाई करेगी. ओके, जब हमने डिराइव किया था 0.4 इज द रिपल फैक्टर ऑफ अ सेंटर टेड फुल वेव रेक्टिफायर, जब हमने इनिशियल डिस्कशंस किए थे फुल वेव रेक्टिफायर की, तो वी फाउंड दैट द रिपल फैक्टर इज इक्वल टू 0.48. सो इस रेंज के अंदर रिपल फैक्टर विद द इंडक्टिव फिल्टर लाई करेगी. ओके, अंडरस्टूड? नाउ हम डिस्कस करते हैं एक और पॉइंट, वो है डीसी आउटपुट वोल्टेज. ओके, सो द डीसी आउटपुट वोल्टेज, डीसी आउटपुट वोल्टेज. नाउ सो फॉर अ फुल वेव रेक्टिफायर, फॉर फुल वेव रेक्टिफायर वी नो विद द इंडक्टिव फिल्टर वीडीसी विल बी इक्वल टू 2 वीएम बाय pi. So if all the element for if so in this case if all the elements are identical, so we can say that VDC jo output voltage hogi, that's basically your VDC NL. Okay, that's basically equal to VDC NL, it will be equal to 2 Vm by pi. And we know that VDC FL will be equal to 2 Vm by pi minus IDC into R. ओके, सो वीडीसी एफएल है, वीडीसी एफएल एंड दिस इज वीडीसी एनएल, सो दिस इज 2 वीएम बाय माइनस आईडीसी इनटू आर इफ ऑल एलिमेंट्स आर नॉन आइडियल, एलिमेंट्स आर नॉन आइडियल. दिस इज द केस व्हेन ऑल एलिमेंट्स आर आइडियल. So, जो आपको उस केस के अंदर VDC FL और VDC NL दोनों ही इक्वल हो जाएंगे. इस केस के अंदर VDC FL तो ये रहेगा, VDC NL will be 2 Vm by pi minus IDC into R. R is the total, so IDC into R is basically total internal voltage drop, where R is basically equal to diode forward resistance
प्लस आर एस डब्ल्यू बाई टू प्लस आर इंडक्टर. ओके, अगर हम आइडियल केस को कंसिडर करते हैं तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस डायोड का, सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और इंडक्टर का रेजिस्टेंस तीनों ही जीरो जीरो रहेंगे. सो इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप कोई होगा नहीं. उस केस के अंदर वी डी सी एफ एल विल बी इक्वल टू वी डी सी एन एल एंड दैट विल बी इक्वल टू टू वी एम बाई पाई. बट इन द नॉन आइडियल केस व्हेन द एलिमेंट्स आर नॉन आइडियल, वी डी सी एफ एल विल बी इक्वल टू टू वी एम बाई पाई माइनस आई डी सी इंटू आर, वेर आर विल बी इक्वल टू आर एफ प्लस आर एस डब्ल्यू बाई टू प्लस आर इंडक्टर. ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट आई जस्ट कवर्ड. ओके, दिस इज एग्जाम्पल. कंसिडर फुल वेव रेक्टिफायर 45045, विच मीन्स दैट जो वी ए है, वी ए माइनस जीरो विल बी इक्वल टू 45 एंड जीरो माइनस वी बी विल बी इक्वल टू 45 वोल्ट ट्रांसफॉर्मर एंड डायोड्स विद द आइडेंटिकल रेजिस्टेंस 10 ओम. ओके, डायोड का जो आर एफ दे रखा है दिस इज 10 ओम एंड इंडक्टर ऑफ 8 हेनरी विच इज एल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ लोड रेजिस्टेंस ऑफ 400 ओम विच इज योर आर एल. फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सप्लाई इज 50 हर्ट्ज विच इज गिवन इज एफ नॉट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन इंडक्टर विच इज आर इंडक्टर इज 10 ओम. कैलकुलेट द रिपल फैक्टर एंड डी सी आउटपुट वोल्टेज. We need to calculate the ripple factor. So we know that RMS secondary voltage is Vm by root 2 and this is equal to 45, because if we just have a look at the inductor diagram, this is center tapped, this is 45, this is also 45. Understood? So this implies that Vm will be equal to 45 square root of 2 volts, okay, which is nearly equal to 63.6 volts. Okay, we know the ripple factor for of a full wave rectifier is R is equal to RL upon 3 root 2 omega naught L. Understood? What is RL? RL is 400 ohms upon 3 root 2 omega naught is 2 pi into 50 into L. Inductor value, what is L? L is 8 Henry. If you solve for this, you get 0.0375 ripple factor. Okay? Now we need to, so this is the ripple factor. Now another thing that we need to calculate is DC output voltage. So DC output voltage VDC will be equal to 2Vm by pi minus IDC into R, where R is equal to RF plus RSW by 2 plus R inductor. Okay, so since nothing has been written about RSW, so we take it as 0. We need to know RF plus R inductor. So what is RF? Is 10 ohm plus 10, this comes out to be 20 ohms. So this is your R, this is your R. So VDC will be equal to 2 into Vm. Vm is 63.6 by pi minus IDC will be equal to VDC by RL into R. Okay, so this will be VDC 1 plus R by RL is equal to 127.2 by pi. So VDC will be equal to, if you plug the values in of R and RL, we get VDC equal to 38.5 volt. This is the answer. Okay, folks, I am stopping this lecture here. प्लीज़ गो थ्रू दिस लेक्चर वेरी केयरफुली, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, इन जो लेक्चर मैंने कवर किया है, प्लीज़ बी वेल वर्स्ड विद ऑल द कंसेप्ट दैट आई कवर्ड इन दिस लेक्चर एंड ऑल्सो द पास्ट 7 लेक्चर्स दैट आई कवर्ड, एंड ऑल्सो पे अटेंशन टू द पॉइंट्स, द की पॉइंट्स विच आई सेपरेटली मार्क्ड एज इम्पॉर्टेंट. ओके, अगले लेक्चर में वी विल हैव सम क्वेश्चंस
examples based on the concepts that we have covered so far and the next theoretical concepts that we will have in the next lecture. Thank you very much.